चलो वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर दिया था और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। तो जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें किसी को कोई डाउट आया? नो सर। मैंने तो आपसे जो गलती हो गई थी क्वेश्चन में वो देख लिया आपने, कहाँ पे गलती लगी हाँ थी? सर, जो ये प्रॉफिट है ये उस अकाउंट में नहीं दिखाना होता है जहाँ पे वो जो प्लांट अकाउंट हम अकाउंट बना रहे हैं, में, प्लांट अकाउंट में नहीं दिखाना होता है। मैं दोबारा से लेकिन समझाऊंगा कैश वहां में पे क्यों नहीं इनफ्लो। दिखाना होता है। ठीक आपका जो क्वेश्चन था दैट वाज प्रेप्स क्वेश्चन नंबर 23 ना, क्वेश्चन को मैं करा लेता हूँ और उस पॉइंट को मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो मेरी बुक में कोई और क्वेश्चन है, वो तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। इनका प्लांट जो था उसका ओपनिंग बैलेंस जो था वो था 5 लाख, उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है आपका 7 लाख। ठीक है, यस सर। अब ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया है, 30% ऑफ प्लांट जो का पहला प्लांट था वो आपने बेचा है एट द रेट ऑफ 30 30% परसेंट प्रॉफिट हाँ ऑन कॉस्ट, मतलब उसकी जो कॉस्ट थी उस पे 30% प्रॉफिट पे बेचा है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले देखेंगे हम कितने की कॉस्ट थी जो बेची, प्लांट सोल्ड जो था उसकी कॉस्ट कितनी थी। नातिका आप मुझे बताओ, 5 लाख, 5 लाख का हमारे पास 30 प्लांट था उसका कितना हिस्सा बेचा, 30% क्या परसेंट होता है? 30% बेचा ना वन उसने, लाख 50,000 1,50,000 1,50,000। ये 1,50,000 की चीज बेची, कितने में बेची, प्रॉफिट पे बेची। प्रॉफिट क्या था, 30%। इस पे मैंने 30% प्रॉफिट कमाया, तो 1,50,000 पे जो 30% प्रॉफिट हो गया दैट इज 15 × 3 = 45, तो 45,000 उसपे प्रॉफिट कमाया। तो मैंने कितने में बेचा, 25,000 1,95,000। ठीक 95,000 मेरे है, में भी है, मैं किसी 1,95,000 पे मैंने बेचा। तो आप बोल सकते हो मेरा जो इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से वो कितना है, 1,95,000। 95,000 अब मुझे क्या कंपेयर करना है, आउटफ्लो। आउटफ्लो आउटफ्लो कैसे पता चलेगा, देखो कंपेयर करो, ओपनिंग कितना था, 5 लाख, 5 लाख में से कितना सामान बेचा, 1,50,000 का सामान 50,000 बेचा। मुझे हाँ बताओ अगर मैंने 5 लाख में से 1,50,000 का सामान बेचा पीछे कितना बचा, हाँ 3.5 लाख। तो मेरा क्लोजिंग हाँ प्लांट मशीनरी कितना होना चाहिए था साहिबा बेटा, मेरा क्लोजिंग कितना होना चाहिए था, 3.5 लाख, बट क्लोजिंग कितना है, हाँ 7 लाख। 7,00,000 इट मीन्स आपने 3.5 लाख का और खरीदा है, तो और खरीदा होगा तो 3.5 लाख का आपका क्या होगा, आउटफ्लो। तो नेट क्या हो गया, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 1,55,000। समझ आया? यस सर। अब इसको हम कैसे करेंगे, जरा प्लांट प्लांट अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख बाई कैश 150 बाई बैलेंस कैरी डाउन 7 लाख7,00,000 टू कैश। ये आपका सेल वाला है, ये आपका परचेज वाला है। परचेज वाला अब देखो जब आपने सेल किया 1,95,000 का, उसकी अकाउंट की एंट्री क्या होगी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1,95,000 टू प्लांट प्लांट अकाउंट 1,50,000, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन प्लांट सेल ऑफ प्लांट 45,000। ठीक है, तो मेरे को कैश अकाउंट डेबिट करना है 1,95,000 से, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,95,000 से, बट प्लांट कितने से क्रेडिट होगा, प्लांट क्रेडिट होगा 1,50,000 से। तो बेसिकली ये दो एंट्रीज है।
ये दो एंट्रीज है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, और एक्स्ट्रा 45,000 आपका प्रॉफिट है, तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 45,000। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट वाली एंट्री, वो एक अकाउंट बनेगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, जो फिर मैं ट्रांसफर करूंगा पीएनएल में, ये कैश में जाएगा और ये पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल मेरा क्रेडिट सिर्फ 1,50,000 हो जाएगा। आपकी गलती कहाँ पे होती है, जब आप प्लांट एंड मशीन को क्रेडिट करते हो 1,45,000, 1,95,000 से, जब आप वन हाँ लाख हाँ नाइन्टी फाइव थाउजेंड से करो उसको रीड करो, उसका मतलब होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हाउ मच द प्लांट हैज गॉन आउट ऑफ योर बिजनेस, इज इट 1,95,000 का प्लांट चला गया कि 1,50,000 का चला गया। 1,50,000 वेरी गुड, प्लांट इज अ रियल अकाउंट, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट विच गोज आउट, इट गोज आउट द प्लांट विच हैज बीन सोल्ड, द कॉस्ट ऑफ दैट प्लांट इज 1,50,000। तो आप बोलोगे आपकी दुकान से जो स्टॉक चला गया, सॉरी जो प्लांट चला गया, उसकी वैल्यू आपने बाहर करनी है आपके बुक से 1,50,000, ना 1,10,000, ना 1,95,000, 1,10,000 सपोज हम 40,000 के लॉस पे बेचते, तब भी इसको 1,50,000 से बाहर करते हैं, बट सिंस उसमें लॉस इंक्लूड होता है तो हम बाई कैश करते हैं 1,10,000, बाई लॉस करते हैं 40,000, वो लॉस भी प्लांट अकाउंट को ही हिट हो जा रहा है, बिकॉज प्लांट अकाउंट बाहर जा रहा है, वहां पे एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टैक्स 40,000 टू प्लांट, तो प्लांट 150 जा रहा था क्रेडिट, बट दो तरीके से जा रहा है, बाई कैश 1,10,000, बाई लॉस 40,000। तभी लॉस के वक्त में आपको एंट्री दिख रही है प्लांट अकाउंट में और प्रॉफिट के वक्त नहीं दिख रही है, द रीजन बीइंग प्रॉफिट के वक्त में प्लांट तो 150 का ही निकालना है, उसके ऊपर वाला प्रॉफिट वो अलग है, और जब नीचे है तब भी 150 बाहर निकालना है, बट कैश की वजह से 110 बाहर हो गया और लॉस की वजह से 40,000 बाहर हो गया, समझ आई बात। तो जो यस सर 150 का निकल गया उसके पैरेलली कॉरस्पॉन्डिंगली आया क्या, 1,10,000 का कैश आया और 40,000 का लॉस हो गया, समझ आई आपको बात मुनजा, कि 1,50,000 ही क्यों बाहर जाएगा, सोच सर लॉस का रहे फिर तो से डू इट। बोले, हाँ लॉस का फिर से बोले। अच्छा ये समझ आया, प्रॉफिट हाँ ये आया सर। वाला समझ आया। हाँ सपोज मैं क्वेश्चन को थोड़ा, जब क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन में इतना ही था, हाँ हाँ मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं सिर्फ लास्ट लाइन चेंज कर लेता हूँ, 30% प्लांट वाज सोल्ड एट अ लॉस, लॉस एट अ लॉस ऑफ 40,000। अब आप क्वेश्चन को कैसे कर लेते, आप बोलते कि भाई मेरे पहले पहले निकालना है मेरे को कितना कैश आया, ये कंसर्न था आपका, जो प्लांट बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000 कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड, वेरी गुड 1,50,000, नाटिका डू यू एग्री विद मी साहिबा बेटा, 1,50,000, बिकॉज 30% का प्लांट बेचा, 5,30,000 इज 1,50,000, कितने में बेचा, एट द लॉस ऑफ 40,000, तो लॉस कितना हुआ 40,000, 40,000 तो आपका कैश कितना आया होगा 1,10,000 1,10,000। की एंट्री मुझे बताओ, एंट्री कैश अकाउंट होगी रीड डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस प्लांट ऑन एंड मशीनरी सेल ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट 30,000 40,000 टू प्लांट एंड प्लांट प्लांट अकाउंट 1,50,000। मुनाता मुझे इस एंट्री को रीड करके बताओ, प्लांट चला गया, यू हैव क्रेडिट इन द हाँ प्लांट बाय 1,50,000, प्लांट गया 50,000, 1,50,000 इस वजह से गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया, अगर एक क्रेडिट गया 1,50,000 का, 1,50,000 का डेबिट आना चाहिए, आया क्या आपके पास, सर आपके पास कैश ये जो आया 1 प्लांट लाख गया टेन उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1,50,000 के कॉरस्पॉन्डिंग में 1,10,000 का कैश आया, उस एक्स्ट्रा और 40 का कुछ लॉस नहीं आया, तो वो एक्स्ट्रा 40 आपका लॉस हो गया, तो प्लांट को आपने क्रेडिट करना है बाय रीजन ऑफ द कैश एंड बाय रीजन ऑफ द लॉस, तो व्हेन यू मेक द प्लांट अकाउंट तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, बाई बैलेंस कैरी डाउन 7 लाख, आपको 1,50,000 बाहर निकालना है, वो 1,50,000 कैसे निकला, कैश आया आपका 1,10,000, तो बाकी आपका 40,000 लॉस हो गया बाय लॉ, निकालना आपने वही है 1,50,000, अगर 1,50,000 के पैरेलली बराबर कैश आएगा या उससे ज्यादा आएगा तो बाय कैश 1,50,000 ओवर एंड अबव जो होगा वो प्रॉफिट वो पीएनएल में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, एसेट अकाउंट में नहीं आएगा,
बट अगर लॉस हो गया तो वो कंपनसेट करने के लिए यहाँ से आ गया, क्योंकि 150 मुझे बाहर निकालना है, या तो उसके बदले कैश आएगा या तो लॉस, दो ही चीजें हो सकती है। ठीक है तो राम यस स्वामी, सर, यस सर। तो नतिका आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। आपको भी एक क्वेश्चन था जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, बट वो सिंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का था, बट स्टिल आपका डाउट आया है तो मैं उसको आज ही लूंगा। बताओ क्या था डाउट, वाज इट दैट ऑफ दिस बुक ओनली और किसी और बुक का था? सर मुझे नहीं पता आपकी बुक में है, वो मेरे बुक में है, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कुछ बूझे? सर। मुझे भी यही है, कल्याणी पब्लिकेशन, प्रियन शेयर। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 9 है मेरी बुक में। और क्या क्या दिया था? प्रोविजन फॉर बैड डेट सारा क्वेश्चन बता सर सकते आप हो? लिख। हाँ सर, चलो एक बार कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं, नातिका क्वेश्चन लेते हैं। बताओ बेटा क्या क्या क्वेश्चन था आपका? प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट 2014 में 1000 है, और 1000 है, 2015 में नील। 2015 में नील है। ठीक, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन 2014 में 10,000। सर हाँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और 19,000 ठीक। हाँ सर, उसके बाद है ट्रेड पेबल, आप 15,000 और 10,000, 15,000 मतलब आपके पास है, टेन ये थाउजेंड बस ऊपर नीचे होता है क्वेश्चन ना, फिफ्टीन हाँ सर बस थाउजेंड में है, बस लेकिन 10,000। उसके बाद बिल्स ट्रेड रिसीवेबल 10,000, रिसीवेबल 20,000, 20,000, 40,000। 40,000 द कंपनी इनकर्ड लॉस लॉस ऑफ 40,000। 45,000। आपको बताना है हाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो ठीक एक एक करके सबको लेते हैं और फिर देखते हैं क्या ट्रीटमेंट हुआ होगा। स्टार्टिंग विद लॉस, लॉस आपका कितना है? 45,000, तो आप 45 बोल सकते थाउजेंड हो कि इस साल आपका कैश आउटफ्लो हुआ है ऑपरेटिंग से 45,000, फिर इन चारों का ट्रीटमेंट ले लो। अब मुझे बताओ, अगर मेरा पिछले साल प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 था, पिछले साल मेरा प्रोविजन हाँ फॉर बैड डेट 1,000 था, इस साल मेरा क्या है? प्रोविजन कुछ मिल रहा फॉर बैड डेट क्या है? है नील, नील। बताओ। अब मुझे बताओ इस प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ क्या हुआ है? हाँ, दिया होगा हमने, मतलब बैड किया हुआ है होगा फिर यूज, तुमने, तो क्या पैडेट के होगा लिए, यूज, किसके साथ यूज किया होगा? बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। किसके साथ यूज किया होगा? डेट के बैड लिए। डेट के साथ, बैड डेट के साथ। वेरी गुड। तो सर इट मीन्स मुझे 1,000 का बैड डेट हुआ होगा, तो मैंने एंट्री कर दी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू टू डेट और सेकंड, डेटर। बहुत अच्छा, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1,000 1,000 ठीक है। फिर मैंने इस हाँ बैड डेट को पीएनएल में राइट ऑफ नहीं किया, मैंने उसको प्रोविजन के साथ एडजस्ट किया, तो मैंने एंट्री कर दी प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 1,000। ये एंट्री होगी, हाँ डू यू एग्री विद मी और नॉट साहिबा बेटा? यही यस एंट्री हुई होगी। जब मुझे बैड डेट वाली एंट्री होगी, साहिबा बेटा आर इन द क्लास, यस जब मेरा बैड डेट हो गया तो मैंने एंट्री कर दी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसमें किसी को डाउट नहीं। जब मैं श्योर हुआ कि ये मेरा बैड डेट होने वाला है तो मैंने एंट्री कर दी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, अब हाँ मेरा जो यस बैड डेट है इसको मैं नॉर्मली पीएनएल में लेता हूँ, बट आप लोगों को पता है जब मैं प्रोविजन किया हुआ ऑलरेडी पिछले सालों में, तो पहले जो बैड डेट होगा वो किसके साथ एडजस्ट होगा? प्रोविजन के साथ, बिकॉज आपने पहले ही प्रोविजन किया है। तो 1,000 का मैंने वहां पे एडजस्ट कर लिया। अब मुझे नहीं पता इससे ज्यादा हुआ नहीं होगा, वो मैं बाद में देखूंगा। अल्टीमेटली मैंने ये माना कि 1,000 का बैड डेट हुआ था, उसको मैंने प्रोविजन के साथ एडजस्ट किया। अब मैंने जो ये एंट्री कर दी प्रोविजन अकाउंट डेबिट बैड डेट, क्या इसमें इस पीएनएल में कोई फर्क पड़ा? आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ये तो पीएनएल में हिट नहीं हुआ ना, तो इट मीन्स इस 45,000 के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रही। हम क्या करते थे, अगर इसमें कोई नॉन कैश एक्सपेंस लेस हुआ है उसको हम एड बैक करते थे? करते थे नहीं करते थे? अगर नॉन कैश एक्सपेंस प्रॉफिट में लेस हुआ है उसको हम ऐड करते थे ये बोलते हुए कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, बट यहाँ पर तो हुआ ही नहीं कुछ पीएनएल में, तो इसको कुछ करना भी नहीं है।
बिकॉज ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, तो इसका मेरा हो जाएगा नो ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4 से क्लियर हो जाएगा पूरा। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन मेरा पिछले साल 10,000 था, इस साल 9,000 है, इट मीन 9,000 का मुझे आया है, 9,000 का मुझे आया है। तो ये हो गया इंक्रीज इन लाइबिलिटी करके, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन। लेवल अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, इट मीन आपको वहां से लोन से पैसा मिला है, और क्योंकि यह शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन जो है, शॉर्ट टर्म लोन में क्या मानता हूँ, शॉर्ट टर्म करेंट मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, वो मेरी वर्किंग कैपिटल है, वो मेरी वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग तो 9,000 मुझे वहां से आ गए। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पेबल है, उसके बाद मेरा ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल मेरा कितना था, 15,000, 15,000 अभी कितना हो गया, 10,000 10,000। तो ये मेरा क्या हुआ, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर मेरा पिछले साल 15,000 था, अब 10,000 है, मैंने इनको 5,000 पे किया होगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है, 5,000, तो इसको मैं थाउजेंड माइनस करूंगा। इंक्रीज अब देखो ब्यूटीफुल चीज है, ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ है, इंक्रीज 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 हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ब्यूटीफुल है, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल मुझे पहले कितने थे, 20,000। 20,000 से मैंने पहले क्या बोला कि मेरा बैड डेट हो गया 1,000, तो 20 में से तो पहले 1,000 ये चला गया होगा, जब मेरे पिछले साल के 20 थे उसमें से ये 1,000 का लॉस हो गया, तो 20,000 में 1,000 कितना हो गया, 19,000। 19,000 तो 19,000 का होना चाहिए था मेरे पास डेटर, अब कितना है, 40 19,000 का होना चाहिए। डिलीट हो गया क्या कुछ, नहीं सॉरी, 19,000 का होना चाहिए, अब कितना है, 40,000। 40 इट मीन्स क्या हुआ है, 19,000 अगर 40,000 में हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, जो मैंने समझा था 21,000 का डिफरेंस आया, तो 21,000 का अगर सॉरी 21,000 का अगर डेटर बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटर ने सारे पैसे नहीं दिए, डेटर ने पैसे आपको नहीं दिए, नहीं दी जो आप मार रहे थे कि कैश सेल हुई सारी, वो सारी कैश सेल नहीं हुई, वो तो सारी कैश सेल नहीं हुई है, बिकॉज 21,000 की आपकी क्रेडिट सेल हुई है, तो ऑपरेशन से आपको इतना पैसा नहीं आया होगा, 21,000 आपका और क्या होगा, माइनस होगा, 21,000 आपका ठीक और माइनस माइनस होगा, क्योंकि 21,000 का पैसा आपको नहीं आया। ठीक सर है, ये पॉइंट फिर से रिपीट कीजिए। बेटा आपका कितना था, ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, आपका डेटर कितने थे पहले, 20,000, 20,000 हाँ उसमें से आपने बोला कि बैड डेट आपका 1,000 हो गया, अब यस सर कितने डेटर होने चाहिए, डेटर 90,000 कितने हैं, 40 इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सारी सेल कैश में नहीं हुई है, आपकी 21,000 की सेल एटलीस्ट क्रेडिट में हुई है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग था 45,000, यहाँ आपने क्या माना था, ये सारा कैश में हुआ है, बट अब पता चला नहीं, ये सारा कैश में नहीं हुआ है, 21,000 का जो है वो कैश में नहीं हुआ है, तो 21,000 इसमें से और माइनस करना पड़ेगा, ये मतलब हो गया ना, बिकॉज तो यहाँ पे आपने ये बैकग्राउंड में लिया था कि परचेज और सेल सारी कैश में थी, बाद में पता चला नहीं, सारी कैश में नहीं है, 21,000 की सेल कैश में है नहीं, तो कैश तो इतना आया नहीं होगा, बिकॉज आपका डेटर बढ़ गया है, इतना आपका क्रेडिट सेल हुआ है, तो ऑपरेशन से तो कैश आया नहीं, इस सबको टोटल करो, बट इसमें मेरा और बुक का एक इंच डिफरेंस लग रहा है, दैट इज पंच जी पांच के पंच सा अक्सर मेरा आ रहा है 62,000 कैश आउटफ्लो, ये है बुक का कैश आउटफ्लो है आपका 62,000, 2,000 मेरी बुक में 71,000 को लिखा है इसने, हाँ मेरी बुक में भी है मेरी बुक में 62,000 क्या कुछ एडिशन थी, पता नहीं ये स्कूल की बुक है मैं पुरानी स्कूल की बुक तो है बेटा, एडिशन लिखा होगा ना, पेज नंबर 2 पे आ जाओ, किलानी पब्लिकेशन 21st रिवाइज की एडिशन है, किस कौन सा है, पहले सेकंड दूसरे पेज पे होगा जहां पर किलानी पब्लिकेशन लिखा हुआ, 2018 2018, इसको पार्क करके रखते हैं, मेरी नॉलेज और मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेरा शॉर्ट टर्म लोन जो है, दिस इज माय शॉर्ट टर्म लोन इज माय क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, क्या है ये,
वर्किंग वर्किंग कैपिटल। कैप। तो बट इस पे मैं एक बार दोबारा से पढ़ लूंगा बुक को, अगर मेरे कुछ और नॉलेज आएगी तो फिर बुक का ठीक रहेगा। मतलब ये 9,000 अगर मेरा ये पता चल जाएगा कि ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है तो ये इधर आएगा नहीं, फाइनेंसिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर फिर भी ये फाइनेंसिंग निकला या ये चीज निकला कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो ये यहाँ नहीं आएगा। बट अपेरेंटली मैंने इसको ट्रीट किया था, दिस इज जस्ट माई वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, इधर होगा। देयर मे बी अनदर रीजन, मुझे ड्रिल डाउन और करना पड़ेगा ASB में कि क्या इसको हम शॉर्ट टर्म लोन को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ट्रीट करते हैं या इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रीट करते हैं। अगर वो चीजें होंगी तो ये 9,000 यहाँ पे पिक्चर में नहीं आएगा, तो तब होगा 45,000, 5,000 दैट इज 50,000 प्लस 21,000 दैट इज 71,000। बट मैंने अभी 62 रखा, तो एक ही पॉइंट हमें समझना है, इंक्रीज शॉर्ट टर्म लोन को हमें क्या ट्रीट करना है। ठीक है, बाकी ओवरऑल क्वेश्चन हो गया। ठीक है नातिका, आपका डाउट दूर हो गया। ये 19,000 से 40,000 हो गया, ये 21,000 हो गया, और इससे मैंने एजम्पशन ले ली कि भाई सारी सेल क्रेडिट सेल नहीं, कैश सेल नहीं हुई है, तो 21,000 मैं इसमें से और माइनस करूंगा कैश। ये समझ आए कि नहीं? मैं अगर हाँ बोलता कि मेरा समझे। प्रॉफिट 1 लाख था तो मैं एज्यूम क्या करता था, ये सारा कैश में आया है तो मैं एज्यूम करता था मेरी सेल सारी कैश में हुई है। बाद में जब पता चला कि यार डेटर तो बढ़ गए हैं, इतनी सारी सेल कैश में नहीं है, तो कैश प्रॉफिट सारा नहीं है, तो ऑपरेटिंग कैश सारा नहीं है, तो उतना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलो जो हमें आज पढ़ना था उस पर आ जाए। आज हमें पढ़ना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब हमारा फोकस जाएगा इन्वेस्टिंग से लेके फाइनेंसिंग पे। भाई बिजनेस को चलाने के लिए पैसा हम कहाँ से ला रहे हैं? तो या तो वो कैपिटल ली होगी, या तो आपने लोन लिए होंगे, या तो आपको डिबेंचर्स लिए होंगे, वो सारा आएगा इनफ्लो। और आउटफ्लो क्या होगा? कैपिटल पे आप डिविडेंड देते हो, डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट देते इंटरेस्ट। हो, यही चीज, लोन पे आप इंटरेस्ट देते हो, दैट विल बी द आउटफ्लो। ठीक है, जी। चलो अब आ जाओ इस पे, क्या नाम है इसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ जाएंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे आ जाओ, मतलब मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, तो आपकी बुक में कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट उसको पढ़ लेता हूँ। साहब बेटा, आपके पास भी क्लियरी पब्लिकेशन वाली बुक है क्या? नो सर, वो वाली नहीं है। साहिबा साहिबा, हाँ मैं बोल रही हूँ, वो वाली नहीं है मेरे पास। आपके पास कौन सी बुक है? आपके पास क्लियरी नहीं पब्लिकेशन बुक नहीं है? अच्छा, वही है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर वन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। तो आपके पास क्या है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 लाख प्रीमियम ऑफ 15%। चलो, 10% डिबेंचर्स इशूड ₹2 लाख के एट डिस्काउंट 1%। इंटरिम डिविडेंड पेड, कहा है क्या वो इंटरिम डिविडेंड क्या हो? पेड मुझे सर, इंटरिम डिविडेंड क्या हो बोलो मुनाजा? सर सर प्रपोजल प्रपोजल डिविडेंड डिविडेंड, के इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये तो 2 मिनट में हो जाएगा प्रपोज क्वेश्चन, बट पहले मैंने आपको एक कंसर्ट, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है? जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। शेयर होल्डर्स को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड अब डिविडेंड कौन देता है? कंपनी 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 तो देगी कौन? कंपनी को कौन चलाते हैं? शेयर कंपनी होल्डर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रमोटर्स। चलाते हैं, शेयर होल्डर नहीं चलाते। अच्छा शेयर होल्डर पैसा देते हैं तो घर पे बैठते हैं। मैं अभी 10 कंपनी का मालिक हूँ, पता आप लोगों को? अच्छा कितनी कंपनी का मालिक हूँ मैं? दस
10 कंपनी का। अरे मेरे पास अगर एक भी कंपनी का शेयर होगा मैं उसका मालिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी, मेरे पास 10 कंपनी के एक एक शेयर है। ठीक है, सर, सबसे ज्यादा शेयर किस कंपनी के? मेरे पास है एक सीमेंट कंपनी है, तो अंबुजा, अंबुजा नहीं, अल्ट्राटेक है किसी का है, दिख रहा पड़ेगा मुझे। उसके मेरे पास मतलब सबसे ज्यादा शेयर है। आपने क्यों ये क्वेश्चन पूछा? इंटरेस्टेड थी इसलिए, हाँ इंटरेस्ट था इसलिए पूछा। अच्छा, आप भी इन्वेस्ट करते हो? मेरे पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है, अच्छा, डीमैट तो खोल सकते हो आप। पैन इंडिया कार्ड में नहीं ना अभी बना। बहुत कम ट्रेंड है इस चीज का, अमेरिका में बहुत बचपन से लोग स्टार्ट करते हैं ये ट्रेडिंग वेडिंग ये सब कुछ। मतलब आई बीइंग सीए मैं उतना नहीं करता हूँ, मैंने बहुत सारे लोग इतने जो सीए भी नहीं है बट वो ये चीजें कर लेते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर अपने शेयर होल्डर को देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देती है। अब कंपनीज एक्ट में जो सेक्शंस है विद रेस्पेक्ट टू डिविडेंड, दे आर फ्रॉम सेक्शन 123 to 120। इंशाल्लाह जब आप सीए करोगे तब आप इन सेक्शंस को डिटेल में पढ़ोगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये डिविडेंड के बारे में, क्योंकि कंपनी को आपको पता है मैनेजमेंट चलाती है, तो आर डिफरेंट फॉर द शेयर होल्डर्स। तो मैनेजमेंट में जो बोर्ड ऑफ डिक्लेयर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो ये देते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं कि हम डिविडेंड दे देंगे। वो प्रपोज करते हैं कि हम डिविडेंड देते हैं। क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं हम डिविडेंड देते हैं। तो अगर वो प्रपोज कर देंगे हम डिविडेंड देंगे, बट फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो होती है शेयर होल्डर की। तो जब मीटिंग होती है शेयर होल्डर की, एजीएम जब होती है, तब वो बोलते हैं कि ठीक है डिविडेंड देना है, वोटिंग राइट होता है। अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डर बोलेंगे हाँ देना है इस बार डिविडेंड, तो डिविडेंड को फिर डिक्लेयर किया जाता है। तो प्रपोज किया जाता है बोर्ड से, बट इसको जो डिक्लेयर किया जाता है फाइनली वो शेयर होल्डर के द्वारा, बट वो बात होती है फाइनल डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है? ये आपका पूरा साल हो गया, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक पूरा साल पूरा हो जाएगा। इस साल के प्रॉफिट के लिए कंपनी अगर डिक्लेयर करेगी, यहाँ पे बोर्ड प्रपोज करेगा कि हाँ पिछले साल के लिए हम पर शेयर जो है सपोज 5 रुपये डिविडेंड देंगे, तो ये होता है जो पूरे साल का डिविडेंड देंगे उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। क्या बोलते हैं? फाइनल फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड। डिविडेंड जो कंपनी बोलती है कि ये पूरे साल का फाइनल डिविडेंड है जो होंगे। तो फिर शेयर होल्डर एजीएम में इसको अप्रूव कराते हैं, तो वो फिर उसके बाद मिल जाता है। बट जब वो बोल देता है बोर्ड, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। पर ये प्रपोज डिविडेंड फर्दर हो सकता है, या तो फाइनल डिविडेंड हो सकता है या तो इंटरिम डिविडेंड। फाइनल मीन्स पूरे साल का लास्ट में आपने कुछ डिविडेंड दे दिया, उसको बोलेंगे फाइनल डिविडेंड। दूसरा होता है कि भाई आपने 6 महीने प्रॉफिट कमाया, 9 मंथ हो गए, आप बोलते हैं यार ठीक है यार, शेयर होल्डर बेचारे को, कोई बेचारा ऐसा होता है जो हमारी कंपनी में पैसा लगाया होगा यार, उसको भी तो चाहिए होगा ना पैसा। आप साल का प्रॉफिट पूरा निकालोगे मार्च में, फिर उसको कैलकुलेट करोगे, जाते जाते एजीएम हो जाएगी सितंबर में, तो सितंबर में डिविडेंड दोगे, पिछले साल का डिविडेंड अगले साल में सितंबर में मिलेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे यार हमने इस कंपनी में क्यों पैसा लगाया। तो कभी कभी कंपनी क्या बोलते हैं, ठीक है हमने प्रॉफिट तो कमाया ना, मुझे लग रहा है कि भाई इंडियन ऑयल को लग रहा है कि भाई हमने 6 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। हमें पता है हमने 6 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया, लास्ट 6 महीने में अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमने कितना प्रॉफिट कमाया होगा कंपनी में? हमने कमाया 26,000 करोड़। कितने? 26,000 करोड़ हमने कमाया था पिछले 6 महीने में। तो हमारी कंपनी बोला जब हमने इतना प्रॉफिट कमाया है तो भाई चलो शेयर होल्डर को थोड़ा खुश करेंगे। तो उन्होंने बोला कि यार इस 6 महीने के हिसाब से हम ना इतना प्रॉफिट के हिसाब से हर शेयर पे 5 रुपये डिविडेंड देते हैं, उसको बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम मीन्स दो टर्म्स के बीच में, इंटरिम मतलब पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ था अभी, तो बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। बीच में मतलब साल अभी पूरा नहीं हुआ था, फाइनल डिविडेंड नहीं है, बीच वाले मतलब साल के अंदर में आपने जो डिविडेंड दिया उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। मतलब इसी साल का डिविडेंड इसी साल में अगर कुछ आप थोड़ा दोगे उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। अभी आप क्वेश्चन समझ आया, और आंसर आपको इसके बगैर भी आता है, बट यस प्रॉब्लम सर, जब आपको जो चीजें पता होनी चाहिए थी फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में क्या फर्क है वो थोड़ा मैंने बताया, बाकी जब आप लॉ पढ़ोगे वहां आप डिटेल में इसको पढ़ोगे। बट अभी तो समझ आया ना इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? साल के अंदर अंदर जो यस कंपनी सर, डिक्लेयर कर यस रही थी डिविडेंड सर। वो इंटरिम डिविडेंड। अभी आप जितने भी कंपनी का देखोगे, अभी क्वार्टर कंप्लीट होने वाला, तो बहुत सारी कंपनीज अपना डिविडेंड देंगे और वहां पे वर्ड यूज आएगा इंटरिम डिविडेंड। थोड़ा सा गूगल भी किया करो चीजों को, ठीक है ना? जहां पर भी कुछ लगे ना ये क्या पढ़ा रही है कभी, उसको इग्नोर मत किया करो, उसका मीनिंग पता कर किया करो, उससे आपको अकाउंटिंग की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। एनीवेज नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन,
यू हैव टू फाइंड द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बहुत आसान है, आपको ये देखना है इन तीनों में से फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी है, फिर देखना उसे इनफ्लो आया होगा या आउटफ्लो आया होगा। इनफ्लो मतलब कंपनी में पैसा आया होगा, आउटफ्लो मतलब कंपनी से पैसा गया होगा। पॉइंट नंबर वन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 लाख, आपने 5 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए, इशू ऑफ शेयर, इज इट ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी? द आंसर इज यस सर। यस। तो 5 लाख के शेयर आपने इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। 15% प्रीमियम का मतलब क्या होता है सर? आपने अगर ₹100 का शेयर था उसके बदले ₹115 लिए, तो 5 लाख के बदले में कितना लिया होगा? 5 लाख × 115% है ना, हाँ 5 लाख पे 15% आपने प्रीमियम लिया, तो 5 लाख का 15% होता है 75,000। तो आपने शेयर होल्डर से 5 लाख लिया फेस वैल्यू, प्लस 15,000 75,000 लिया प्रीमियम, तो टोटल पैसा जो इनफ्लो होगा वो 5,75,000 होगा इश्यू ऑफ शेयर से। ठीक है साहिबा यस बेटा, यस समझ सर। रहे? जब आपने 5 लाख के शेयर इशू कर दिए प्रीमियम ऑफ 15, मैं आपको एंट्री बोलूंगा करने के लिए, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 5,75,000, तो शेयर कैपिटल 5 लाख, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 75,000, यही करोगे। हाँ दूसरा चीज देखो, 10% डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स इशू किए जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उनको आपने इशू कर लिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। 2 लाख के डिबेंचर्स पे आपने इशू किया एट द रेट ऑफ 99, तो 2 लाख पे 1% डिस्काउंट कितना होता है? 2,000। तो अल्टीमेटली आपको कितना पैसा आया होगा? 1,98,000, बट कैश आपको आया होगा 1,90,000। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,000, तो 10% डिबेंचर्स 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने इंटरिम डिविडेंड 50,000, दिस इज द कैश आउटफ्लो जो आपने डिविडेंड दे दिया 50,000, उन दो को प्लस करोगे ये माइनस करोगे, दैट इज द कैश आउट इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, यस सर। गोवा दिमाग इसमें। हाँ इसके बाद वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, मैं उसको भी दिखाऊंगा। समझ आ रहा है आप थोड़ा थोड़ा कि ना? यस सर। मुझे पास है कैश फ्लो थोड़ा इजी। हाँ चलो, हिम्मत नहीं हारनी होती है, ये बात याद रखना। सीए में भी आपको ना आगे आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे आपको बहुत बड़े लगेंगे, पर इंसान को हिम्मत नहीं हारनी होती, इंसान को पढ़ना होता है। हो सकता है एग्जाम में फिर आसान क्वेश्चन आ जाए, पर अगर हम समझा टॉपिक बड़ा है और आपने कैश फ्लो पूरा छोड़ दिया उस चक्कर में, बाद में देखा उसने तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पूछा ही नहीं, उसने पूछा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा डायरेक्ट से, वो तो आसान था, बट अगर आप उस चक्कर में चैप्टर को ही पूरा छोड़ देते हो तो आपको फिर कुछ नहीं आता है। समझ आई बात? और यार दो तीन टॉपिक तो टफ भी होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ाई में, अदरवाइज तो बोरिंग लगेगा यार, क्या है अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, फिर लगेगा यार गलत फील्ड में आ गया, यहाँ तो कोई कंपटीशन कंपटीशन होता तो तभी मजा आता है, तो कुछ टॉपिक ऐसे टफ होने चाहिए। ठीक है चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ महाजन लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो आपको पता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो आपको 2 सालों का फिगर दिया है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस क्वेश्चन इन द क्लास ओनली। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग। एंड अच्छे से दिमाग लड़ाना जो ही आप अभी थोड़ा दिमाग लड़ाओगे ना, बेसिकली ये ना एनालिसिस भी आपका यहाँ पे ही हो रहा है, शायद हम इसको अकाउंटिंग रेजुल्स में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ से ही समझ आता है भाई हुआ क्या है बिजनेस, उससे भी आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग होती है। टेक योर टीम, प्रीमियम रिजर्व 2,50,000, 2,75,000, डिबेंचर्स 6 लाख, डिबेंचर्स 4,50,000, एंड इंटरेस्ट पेड 50,000। आप लोग क्वेश्चन करो, जब हो जाएगा तो मुझे बताना सर हमने कर लिया, इतना ही दिया है क्वेश्चन में, अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, फाइंड द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंस गेट।
हो गया। अब तो खराब खराब सर, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट पीरियड बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका क्या करना है इसमें? मैंने कहा बोला इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,50,000। फ्लो है ना बताओ। सर, ये ना आउट फ्लो हाँ50,000। हाँ सर मैं बोल रही हूँ इंटरेस्ट ऑन बैंक कहाँ ओवरड्राफ्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक बुक में हो है ना, क्वेश्चन में वहीं से 3,25,000। मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा आप इस क्वेश्चन की करो। 3,25,000। 3,25,000 थोड़ा गलत हो रहा है बेटा, अच्छे से सर फोकस। सर इन फ्लोर 2,25,000। 2,25,000 वेरी गुड। सर एक आउटफ्लो मिनट सर, मेरे पास ये बुक नहीं है। ब्रोकर ब्रोकर साहबा बेटा आपका गलत है, एक बार चेक करो। मुझे लगता आपने अभी किया नहीं इसको। अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर पहले 10 लाख थे, आप 12 लाख हो गए। इट मीन्स आपने प्रेफरेंस शेयर से कैश जनरेट किया है। ठीक लाइक हाँ अब आउटफ्लो कितना है, हुआ है? 2,25,000। 2 लाख डायरेक्टली हुआ है। हाँ अब जब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व देखें ये भी बढ़ गया है, ये पहले 2.5 लाख था, अब 2,75,000 है। इट मींस जो आपने ये 2 लाख के शेयर इशू किए ये आपने एट अ प्रीमियम ऑफ 25,000 किए है ना हाँ साहबा बेटा। ये 25,000 प्रीमियम मिला आपको, तो आपके पास कैश कितना आया होगा? 2,25,000। सर इसमें से आउटफ्लो क्या हो गया? देखो बेटा डिबेंचर्स आपके पहले 6 लाख के थे, अब वो 4,25,000 आउटफ्लो रुपए। इसमें आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है बेटा, डिबेंचर्स कम हो गए साइबर बेटा, डिबेंचर्स कम हो गए तो मतलब क्या हो गया? आपने डिबेंचर्स को पे बैक किया होगा, रिडेम्पशन आउटफ्लो किया होगा। रिडेम्पशन में क्या होता है? आपका आउटफ्लो होता है। डिबेंचर यस अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बैंक, 1 लाख को कैश गया होगा। ट्वेंटी रिडेम्पशन फाइव नेट ऑफ डिबेंचर्स कितना? 1 लाख वन फिफ्टी फिफ्टी और आपका क्या है? इंटरेस्ट पेड 50,000। 10,000। हाँ 25,000 नेट। दोनों मिला के कितना होगा? 2 लाख। भाई 2,25,000 आए, 2 लाख चले गए, नेट आपको 25,000 इनफ्लो। ठीक है यस सर। मुन्ना बेटा, आप अपना डाउट बता दो।
सर एक तो है ना, बुक में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वर आल्सो पेड। मेरे बुक में ये चीज नहीं है, मेरे बुक में इतना ही लिखा है। अगर होगा तो मैं बता दूंगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि मैंने प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पे कर दिया है, ठीक है बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर पर जो मैं डिविडेंड दे दूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो। हाँ बिल्कुल। अब अगर मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हाँ क्या आता है, वर्किंग कैपिटल में जो मेरा पहले ही डिबेट हुआ था, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जहां पे मैंने एज हाँ लिया है कि बैंक ओडी मेरा जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट मैं क्या लूंगा, वो भी मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मान लूंगा, ठीक है, तो ठीक। उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा मेरे लॉजिक के हिसाब से, अभी तक के लॉजिक के हिसाब से। तभी मेरा ऊपर 62,000 आया था, बिकॉज वहां पे शॉर्ट टर्म लोन का जो मेरा 9,000 आया था, मैंने उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माना था, उसने उसको ऑपरेटिंग नहीं माना था, बट मेरा अभी भी वही फील आ रहा है कि वो ऑपरेटिंग होना चाहिए। अगर कुछ और होगा तो मैं आपको बताऊंगा वो क्यों नहीं है, अदरवाइज मेरा स्टैंड ये है, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो अगेन बैंक ओडी पे इंटरेस्ट मैं मानता हूँ ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है बेटा। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसमें नहीं आएगा फिर। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा इसमें नहीं आएगा, ये मेरा स्टैंड है, ठीक है। तो ठीक मुझे लगता है कुछ डिफरेंट कर रहा है, बट लातिका बोल रही थी उसने ठीक किया 62, मेरे में उसने गलत किया था 71, जो पहले क्वेश्चन लिखा था उस हिसाब से वो उसको क्या मार रहा है, फाइनेंसिंग मार रहा है, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म, व्हाट एवर इज शॉर्ट टर्म, दैट्स नॉट माई फाइनेंसिंग, दैट माई ओपिनियन, ठीक है। यस सर। एक मिनट ना, एक जस्ट वन, तो कुछ रहा है, ठीक है। यस इसके सर। बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, मैच भाषण तो ऐसे थोड़ा फिट नहीं, बट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो ठीक दिन की ब्रेक होगी, सैटरडे भी क्लास नहीं होगी, संडे दिन क्लास, एंड अगेन मैं मेन शिकायत, अगर तो संडे दो क्लास हो मैंडेटरी, तो कैसे नहीं अटेंड करा। हाँ संडे क्लास कैसे नहीं अटेंड करा, हाँ सर इसी टाइम पे वो रखे, इसी टाइम पे हम फ्री होते हैं सारे, उस टाइम मेरी दूसरी ड्यूटी होती है। सुबह सुबह का, रुक 8 मिनट, पहले मुझे इसको पॉज करने दो। पर डिबेंचर वाला पॉइंट हाँ बेटा बताओ, साइबर डिवेंचर के बारे में। सर, हमें कैसे पता चलता कि हमने डिबेंचर इशू किए? नहीं बेटा इशू की बात ही नहीं हो रही, देखो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट दिया था, ये बैलेंस शीट थी आपकी, मतलब बैलेंस शीट कुछ फिगर दिए थे, ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के थे, अभी ये 12 लाख के हो गए, तो आप क्या मान रहे हो, हमने और इशू किए हमने प्रेफरेंस शेयर और इशू किए, कितने के इशू किए, 2 लाख। 2 लाख टू के, लाख तो भी आपने जहन बना दिया भाई 2 लाख रुपया यहाँ से पैसा आया होगा, फिर आए आप सिक्योरिटी में, ये भी बढ़ गया, तो ये जब आपने पढ़ा तो आपको और क्लैरिटी मिल गई कि भाई वो 2 लाख ही नहीं आए हैं, 2 लाख को आपने प्रीमियम में भेजा है और वहां पे 25,000 और आए, तो 2,25,000 आए, तो ये मैं आपको बोल रहा था, जब आप इसको रीड करना सीखोगे ना, जो हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंस, वो यही बात आती है, बैलेंस शीट को देख के आप बोल पा रहे हो कि प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25, समझ आई मेरी बात। यस नाउ कमिंग टू द डिबेंचर्स पार्ट, सर। डिबेंचर पहले कितने थे, 6 लाख थे, अभी कितने, 4.5 लाख के, अब क्या मतलब हुआ, डिबेंचर कम हुए, अरे क्यों कम हुए होंगे, डिबेंचर्स क्या होते रिडीम हैं, क्यों हमारी किया? लाइबिलिटी होती है, जब हम इश्यू करते हैं हमारी लाइबिलिटी होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट, डेबिट होती है डिबेंचर, अब अगर डिबेंचर डेबिट हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, डिबेंचर्स में ऐसा क्या होता है, डिबेंचर्स ना रिडीमेबल होते हैं, उनको रिडेम्पशन किया जाता है, क्वेश्चन ने नहीं बोला उनको रिडीम किया है, पर क्वेश्चन में इतनी पूरी हिंट है कि वो आप कम हो गए, इनको रिडीम हुए, कितने के रिडीम किया आपने, 6.5 लाख के नहीं किए, पूरे 1.5 लाख के किए, तो 1.5 लाख का आपका माइनस हुआ हो, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उन डिबेंचर पर आपने 50,000 का इंटरेस्ट पे किया था, तो वो 50,000 और माइनस होगा, 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख माइनस हुआ होगा, 2,25,000 आया था, नेट 25,000 इनफ्लो हो गया, ठीक है बेटा। सर अगर मतलब हमने डिबेंचर्स परचेज किए होंगे, हम अपने बुक में उसको क्या किस नेम से मेंशन रखते? दैट्स माई इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, वो मेरे एसेट्स ऐसा है, ठीक है, व्हेन आई परचेज द डिबेंचर्स मतलब आई इन्वेस्ट इन द डिबेंचर्स, आप कंपनी की बात करो ना, मैं यस सर। कंपनी हूँ, या तो मैं डिबेंचर्स इशू करूंगी अपनी कैपिटल रेज करने में, या तो मैं किसी के डिबेंचर्स में लगाऊंगा, किसी के डिबेंचर्स लगाऊंगा तो मेरा एसेट में होगा, तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स करके होगा, बट यहाँ पे इतनी हिंट है
ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंटेक्स्ट में वो बात हो रही है कि आपकी शेयर कैपिटल एंड देन सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स मतलब लायबिलिटी वाली बात हो रही है, तभी लिख देता अलग से इन्वेस्टमेंट इन ओल्ड डिबेंचर्स, ठीक है ना, या उस एंगल से नहीं यस करना, ठीक सर। है। चलो एक और क्वेश्चन में करा लेता हूँ, उसके बाद कोर्स कर लेते। इलस्ट्रेशन नंबर 26, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको 2 साल दिए, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। आपकी जो फिगर्स दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख एंड 1 लाख 50,000, 1 लाख 1 लाख 50,000। उसके बाद आपके 5% डिबेंचर है 1 लाख। उसके बाद आपका 7% डिबेंचर है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफो है। फर्स्ट नंबर वन, अ बोनस इशू वाज मेड इन द ईयर 2017-18 इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। तो आपने बोनस इशू दिया 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व, मतलब बोनस इशू मैंने बोला, आप बोनस इशू में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, बोनस इशू में क्या होता है, आप कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देते हैं, क्या देते हैं, बोनस इशू में क्या होता है, कंपनी बोनस देती है, फ्री में देती है शेयर, फ्री तो वहां पे कोई कैश नहीं आता है। एक्सचेंज। तो एंट्री क्या करती है कंपनी, शेयर कैपिटल तो बढ़ाती है, वो रिजर्व को डेबिट करती है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। मैंने आपको बोला था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर्स में कोई आपको कैश नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज आप प्रॉफिट्स को डिविडेंड नहीं देते हो और फिर वो वहां से शेयर खरीदा, आप डायरेक्टली उसको शेयर ही देते हो, यू आर कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट्स, आपको कोई कैश नहीं आता है। और आपने 2:1 रेशियो में बोनस शेयर दिया, मतलब जिसके पास 2 शेयर थे उसको आपने 1 शेयर फ्री में दे दिया। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है डिविडेंड पेड, आपने डिविडेंड पे कर लिया 20,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 5,000। अब आपको निकला है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने थे 1 लाख, हाँ, अब कितने हुए हैं, 1,50,000 इसका मतलब क्या हुआ है, कितने और शेयर्स हमने इशू किए, फिफ्टी शेयर इशू किए 50,000 को, तो कैश कितना आया होगा 50,000 50,000। क्या इसके बारे में, इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई हिंदी दी थी, नातिका? अभी आपको इतना देख के क्या समझ आ रहा है, इक्विटी शेयर पहले 1 लाख के थे, अब 1.5 लाख के आ गए। अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा होता तो आप बोलते कि इक्विटी शेयर हमने 50,000 के और इश्यू किए हैं, तो 50,000 का मुझे कैश आया होगा, यही बोलते आप नातिका, आप यही बोलते साहिबा यस सर, बेटा, आप भी यही बोलते। यस सर, तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, आप बुला दे बोलते कैश इनफ्लो फ्रॉम इक्विटी शेयर 50,000, यस और नो? सर बट यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी कि आपने इक्विटी शेयर इस साल में इशू किए, वो बोनस इशू किया, क्या किया, बोनस इशू, बोनस बोनस। इशू क्या किया 2:1, 2:1 का मतलब क्या है, जिसके पास 2 शेयर थे आपने उसे फ्री में 1 इशू शेयर दे दिया। तो मुझे बता, अगर आपके पास 1 लाख के शेयर थे तो आपने कितने लाख के शेयर फ्री में इशू किए होंगे, दो के बदले 1 दिया ना, 1 लाख डिवाइड बाई 2:1 कितना होता है 50,000। तो आपने 50,000 रुपीज के शेयर फ्री में इशू किए, वो जो आपने फ्री में शेयर इशू किए, आपने एंट्री पता क्या की है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, ये होता है बोनस इशू की एंट्री। तो मुझे बताओ, अगर आपके इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 1 लाख है
अब 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया, 1,50,000, तो आपके पास कुछ कैश आया ना? तो इतना ही आंख बंद करके नहीं बोलना है कि 1 लाख था वो 1.5 लाख हो गया, इतने 50,000 कैश आ गया। वो तब है अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी कि बोनस इश्यू हुआ है, जब ये बोनस इश्यू हुआ है तो आपके पास कैश कुछ आया नहीं है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल से आपको कोई कैश नहीं आया है। ठीक है, समझ यस आया मुन्ना साहब? आपको समझ आया यस सर, बोनस का फिर से बोले जो बोनस इश्यू का मतलब क्या होता है? दूसरा कि हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स दिए हैं। और वहां से क्या पैसा लिया उसमें? कुछ नहीं, बोनस शेयर्स होते हैं ना फ्री में। क्या होते हैं? बोनस फ्री में शेयर्स फ्री में देते हैं उनको। कितने दे दिए वो क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे 2:1 दे दिए, मतलब हर शेयर होल्डर को 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिले। अब मेरे पास, मुझे नहीं पता कितने शेयर है, बट मुझे पता है जो रुपीज है उनकी फेस वैल्यू वो 1 लाख है, तो 1 लाख के बदले मैं कितने फ्री शेयर दूंगा? 50,000 के दूंगा, है ना? 2 के बदले 1 दे रहा हूं ना, तो 1 लाख के बदले कितने दूंगा? 50,000 दूंगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, 1 लाख × 1/2, 2 के बदले 1 दे रहा हूं ना भाई। आपके पास हाँ 100 रुपए के शेयर है तो आपको कितने शेयर दूंगा? आप 50 50 दूंगा। आपके पास 1 लाख है, आप कितने दूंगा? 50,000 दूंगा। तो मैं आपको हाँ 50,000 के शेयर्स फ्री में दूंगा, उसकी एंट्री क्या करूंगा? उसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आप अगर नॉर्मली शेयर्स पर कैश कर लेते, फॉर कंसिडरेशन इन द कैश, तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आप बोलते हैं कि मेरा कैश आया, यहाँ पे फ्री में दे दिया, फ्री में तो कुछ आएगा नहीं ना, तो शेयर कैपिटल तो बढ़ाना 50, तो डेबिट किसको करते हो? डेबिट आप अपने प्रॉफिट्स को करते हो, रिजर्व में सरप्लस को करते हो, सिक्योरिटीज में रिजर्व को करते हो, तो उसको बोलते हैं एंट्री करते आप रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपने बेसिकली क्या किया, जो प्रॉफिट्स थे उनको कैपिटलाइज कर दिया, उनको ट्रांसफर टू कैपिटल कर लिया, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बोनस शेयर्स को। जिस तरह से सोल प्रॉपर्टी में आप प्रॉफिट को उठा के कैपिटल में डाल देते थे, तो आप कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट करते थे। कंपनी के केस में कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट कैसे करते हैं? बाय इश्यूइंग द फ्री शेयर्स, या तो आप क्या बोलते हैं प्रॉफिट आया डिविडेंड दे दो, तो एंट्री क्या करते हैं डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, और डिविडेंड कहां से डिबिट होता है? प्रॉफिट से, रिजर्व से, या प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, और फिर जाके वो कैश लेता, फिर आप शेयर इशू करते तो एंट्री होती फिर कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो पहले आप डिविडेंड देते, फिर वो उस पर भी टैक्स दे देता, फिर और शेयर खरीदता, तो फिर होता, तो आप बोलते हैं भलाई सिंह सर जी सीधे उसको क्या दे दो, फ्री में शेयर दे दो। नाउ कमिंग टू दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन, इसमें जब आपने फ्री में शेयर दे दिया तो आपको कोई कैश नहीं आएगा, पर यहाँ पे ट्रिक क्या था, आपको पहले देखना कितने शेयर फ्री में दे दिए। सपोज बाद में पता चला कि सिर्फ 20,000 के शेयर फ्री में दे दिए, तो इट मीन 1 लाख का पहले था, 20,000 का फ्री में दे दिया, 1,20,000, अभी कितना है 1,50,000, इट मीन जो डिफरेंस ऑफ 30 है वो उस केस में क्या होगा? कैश। तो इतना आपको कैश दिमाग फ्लो लगाना स्टेटमेंट। पड़ेगा। एनीवेज, कमिंग टू 5% डिबेंचर, पिछले साल मेरे 5% डिबेंचर थे 1 लाख, अभी वो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? वो 5% डिबेंचर को मैंने क्या किया, रिडीम किया। रिडीम किया है। तो रिडेम्पशन ऑफ 5% डिबेंचर 1 लाख, तो 1 लाख का मेरा कैश आउटफ्लो हुआ। और यहाँ पे 7% डिबेंचर पहले कुछ नहीं थे, अब 2 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ? अब लास्ट में मतलब हमने इशू किया, इशू किया इशू ऑफ से 7% इतना डिबेंचर 2 लाख, इससे क्या हुआ होगा? इनफ्लो होगा। इनफ्लो इनफ्लो ये बोनस वाला इशू वाला क्लियर किया था, डिविडेंड पेड किया था 20,000, तो उससे आउटफ्लो हुआ होगा। इंटरेस्ट मैंने डिबेंचर पे पे किया है 5,000, उससे भी आउटफ्लो। तो मेरा डिविडेंड भी नेट में क्या दिया। हुआ, 2 लाख का इनफ्लो हुआ, 1,25,000 का आउटफ्लो हुआ है, नेट में मेरा 75,000 का कैश इनफ्लो हुआ। ठीक यस है, सर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मन करेगा तो कोई और क्वेश्चन करना, मन नहीं करेगा तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें तो हम जोर जबरदस्ती करा के साहिबा से शिकायत, सर से तो हमारे होमवर्क, तो मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, जो आपका मन करेगा वो कर लेना, 2 दिन की ब्रेक है, कोशिश कर लेना मैक्सिमम क्वेश्चन करने की। ठीक है, और मंडे को फिर हम इंशाल्लाह और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने अच्छा अच्छा कंसर्न कर लिया, तो अब हमें ऑपरेटिंग पे फिर वापस आना है। कल भी मैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, कल तो नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, मंडे को मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह होगा, उस दिन भी हम फाइनेंसिंग करेंगे और फिर हम ऑपरेटिंग पे आ जाएंगे, फिर छोटी छोटी चीजें हम कर लेंगे और फिर हम ऑपरेटिंग पे आ जाएंगे। ठीक यस है, चलो बेचक कहीं डाउट के, सर, चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। हेलो।